हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इसे मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ। इसे मैंने एक सेलेक्ट करा एक इमेज को, और इस इमेज को जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो एक नेक्स्ट न्यू एक्टिविटी ओपन होती है, और इस एक्टिविटी के अंदर इमेज हमें शो करता है और इमेज का नेम हमें शो करता है। ठीक है, तो ये अब हम लोग कैसे करने वाले हैं ये अब हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस एक्टिविटी के डिज़ाइन पर आ जाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने सबसे अभी हमने क्या करा है, एक ऑलरेडी हमने एक नेक्स्ट बटन हमने ऐड करके रखा है, और इस बटन की आईडी है बटन। ओके, और यहाँ पर मैंने न्यू एक्टिविटी क्रिएट करके रखा है, और ये न्यू एक्टिविटी की एक डिज़ाइन है जो कि बेसिक डिज़ाइन है। ओके, इसके अंदर टेक्स्ट है और इमेज व्यू है। अब करना हमें क्या है, हमें इस मेन एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी टू में हमें इमेज पास करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी के हम जावा कोड की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, आपको मैं बताऊँ तो ये कोड आपको पहले से पता होगा, ये सारे कोड। ओके, इस कोड के अंदर आपको मैं एक ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ऑलरेडी हमारे पास पाथ पिक्चर पाथ है। ओके, और इस पिक्चर पाथ के अंदर हमारी जो हमने जो भी इमेज ब्राउज करा है उसकी पाथ रखी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर हमारी फाइल नेम रखे हुए, मीन्स इमेज की नेम रखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ इमेज की नेम, पाथ नहीं। ओके, पाथ इसके अंदर है और इसके अंदर इमेज की नेम है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये पिक्चर पाथ तो मेरे पास है, ओके, रखा हुआ है। हमें क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर इमेज नेम जो शो कर रहा है इसको हम एक स्ट्रिंग के अंदर रखने वाले हैं, और ये हम कहाँ करने वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ। जब इस बटन पर कोई भी डबल क्लिक करेगा या सिंगल क्लिक करेगा तो न्यू एक्टिविटी ओपन होगी, और उसी के साथ यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे दूसरी एक्टिविटी के अंदर, और वो मेन एक्टिविटी के अंदर होगा, और यहाँ पर हम उसे शो करा देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, बटन की आईडी हमें पता है, बटन की आईडी क्या है, बटन। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन नेम की एक मैं नेम ले लेता हूँ, बटन फाइंड व्यू बाय आईडी। ये हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, ये हमारी एक हमने क्लिक लिसनर हमने लगा दिया यहां पर। अब हमें क्या करना है, हमें एक इंटेंट का इस्तेमाल करना है। तो वो इंटेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मेन एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी टू के अंदर हमें वैल्यू पास करने हैं। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, आइए पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पर हमें की नेम देने होंगे, मीन्स जो वो वैसे नेम देने होंगे जिस नेम के थ्रू हम वैल्यू फेच कर सकें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इमेज नेम दे देता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, इमेज नेम के साथ हमें कौन सी वैल्यू पास करनी है वो अब हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग इमेज नेम, और इस इमेज नेम के अंदर जो टेक्स्ट के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। मैं क्या करूँगा, इसके नेम को मैं यहाँ रख दूँगा। ओके, फिर आई करूँगा, फिर पुट एक्स्ट्रा, एक और वैल्यू हमें पास करनी है, क्या, इमेज की पाथ को हमें पास करनी है। तो मैं यहाँ पे इमेज पाथ करूँगा, और इमेज पाथ तो हमारे पास ऑलरेडी है, इमेज पाथ हमने ग्लोबली यहाँ पर रखा था, तो ये पिक्चर पाथ है, सॉरी। ओके, तो ये पिक्चर पाथ को मैंने यहाँ से पास कर दिया। ठीक है, तो ग्लोबल वो था, वो सारी जगह से वो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू अब पास हो रही है किसके अंदर, मेन एक्टिविटी टू के अंदर। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर उस एक्टिविटी से जो भी वैल्यू पास हो रही है उसे हमें फेच करना है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू ले लेता हूँ, और एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है, ये एक इमेज व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू है, तो उन दोनों की आईडी को मैं स्टोर करूँगा। इमेज व्यू,
सिंपल। अब इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, इमेज व्यू 3 है ये, तो यहाँ पर इमेज व्यू 3 रहेगा, टेक्स्ट व्यू 2 है तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 2 रहेगा। ठीक है, ये हमारा इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बंडल का इस्तेमाल करना है, बंडल एक्स्ट्रा, एक वैल्यू हम वेरिएबल नेम रख देते हैं इसका सिंपल। ठीक है, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, फिर एक स्ट्रिंग लेते हैं हम, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम इमेज जो हम पास कर रहे हैं वहां से जो इमेज हम ले रहे हैं और यहां पर हम उस इमेज को हम सेट कर लेंगे, इमेज पाथ एक्स्ट्रा डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहां पर हम की नेम रखने वाले हैं। अब ये की नेम क्या है ये आपको अब समझ में आ जाएगा। यहां से ये जो की नेम है ना, ये की नेम के थ्रू हम सारी वैल्यू को फेच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज पाथ हम सेट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इमेज पाथ को यहाँ रख देते हैं, और वो की नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इमेज नेम एक्स्ट्रा। यहाँ से इमेज नेम की भी की हम पास कर लेते हैं और यहाँ पर फेच कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो ग्लाइड का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ग्लाइड के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्लाइड को ये कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, मेन एक्टिविटी 2 कर देता हूँ। अब ये इस URL की जगह पर हम पाथ इमेज पाथ कर लेते हैं। ओके, और इस IC बेस लाइन की जगह पर हम कुछ और रख देते हैं। ओके, ये क्या है, ये प्लेस होल्डर है। अगर इस जगह पर इमेज नहीं आता है तो वो प्लेस होल्डर जो भी रखा रहेगा वो हमें शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें अपने इमेज, यहाँ पर इमेज हमें इस जगह पर शो कराना है, तो इस इमेज की ID को जहाँ पर हम लोगों ने रखा है उस इमेज की नेम को हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इनटू की जगह पर, ये हमारा इतना काम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर, मींस इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर इमेज की नेम को शो कराना है। तो मैं इसकी आईडी को इसके अंदर रखा था, तो मैं इसे ले लूँगा, सेट टेक्स्ट और इमेज नेम, दैट्स इट, ये हमारा इतना हो गया काम। ठीक है, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से रन करता हूँ। ये मैंने रन कर दिया एप्लीकेशन को, अब मैं ब्राउज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये एक आ गया हमारा इमेज। अब इसे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैंने इसे आई डॉट स्टार्ट नहीं करा था, स्टार्ट एक्टिविटी आई। ओके, अब मैं इसे फिर से रन करता हूँ, यहाँ से मैं ब्राउज़ करता हूँ, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट करा, इसे नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पर ये इमेज हमें शो करने लगा। ठीक है, अगर ये इमेज को सही करना है, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा इमेज जूम करके हमें दिखाता है, तो आप इसे ऐसा कर देना, ये जो सेंटर क्रॉप है ना इसे आप रिमूव कर देना और फिर से इसे आप रन करना। फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट, तो देखो आपकी इमेज यहाँ पर आ गई, इमेज नेम यहाँ पर आ चुका। अब आपको उस इमेज के नेम के साथ जो करना है आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।